पुलिस अधीक्षक देवघर अश्वनी कुमार सिन्हा को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना प्रभारी देवघर के निर्देशन में दो टीमों ने मिलकर 18 साइबर अपराधियों को धर दबोचा। सारक थाना अंतर्गत ग्राम सुखजोड़ा गोबरसाला एवं 10 साइबर अपराधी तथा पत्थरगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम डुमरिया और पथरूल थाना अंतर्गत टेंडेरी मलमला से 8 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए कुल 18 साइबर अपराधी निम्न प्रकार से ठगी करते थे। फर्जी मोबाइल नंबर से फर्जी बैंक पदाधिकारी बनकर आम लोगों को एटीएम बंद होने एवं किक अपडेट करने के नाम पर एटीएम के सीवीवी नंबर ओटीपी नंबर फोन पे पेटीएम रिक्वेस्ट भेजकर ओटीपी प्राप्त कर पैसे ठगने का काम करता था। गूगल पर विभिन्न प्रकार के वॉलेट एवं बैंक के कस्टमर केयर नंबर का एडवर्टाइजमेंट देकर टीम व्यूअर एवं क्विक सपोर्ट जैसे रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल करवाकर गूगल पर मोबाइल का पहला 4 अंक को सर्च कर अपने मन से 6 अंक बैठाकर साइबर ठगी का काम करता था। वही बरामद किया गया सामग्री की सूची 23 मोबाइल 54 सिम 32 पासबुक 1 4 एटीएम 5 चेकबुक 1 लैपटॉप और नकद 96,000 रुपए बरामद किए गए। साथ ही एक अपाची बाइक और एक फोर व्हीलर बरामद किया गया। देवघर से पप्पू कुमार यादव की रिपोर्ट। देवघर की हर खबर के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं Facebook पेज को फॉलो करें। बड़ी सफलता, पहली बार इतने मास लेवल पर साइबर अपराध में कहां से गिरफ्तारी हुई, क्या क्या चीज बरामद हुआ? देवघर पुलिस के द्वारा लगातार साइबर क्रिमिनल के अगेंस्ट में छापामारी की जा रही है। उसी के अंतर्गत सारठ थाना क्षेत्र और पथरड्डा ओपी क्षेत्र में छापामारी की गई है, जिसमें कुल 18 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास है 43 मोबाइल, 54 सिम, 32 पासबुक, 14 एटीएम, चेकबुक 5, 1 लैपटॉप, 96,000 रुपया, 4 पहिया वाहन आल्टो 1 और अपाची मोटरसाइकिल 1, इसकी बरामदगी की गई है। क्या मान रहे हैं, कहीं इसके कोई आपराधिक इतिहास भी है, पहले से भी इसका है या? इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है और अगर इनका आपराधिक इतिहास होगा इनको बेल मिलने में कठिनाई होगी, हम लोग उसको किस दायरे में अंकित करेंगे। कैसे ठगी करते थे ये लोग, कैसे ठगी करते थे? ठगी करने का मामला, पहले बैंक अधिकारी बनकर एटीएम का नंबर लेते थे या एटीएम का बंद होने की बात करते थे, उसके बाद उनसे ओटीपी प्राप्त कर पैसे की निकासी कर लेते थे। नो योर कस्टमर केवाईसी के द्वारा ठगी करते थे। पे फोन और पेटीएम मनी रिक्वेस्ट के द्वारा ठगी करने का काम करते थे। गूगल पर विभिन्न तरह का एडवर्टीजमेंट दे करके ठगी करते हैं या टीम व्यूअर और क्विक सपोर्ट जैसे चीज़ों को इंस्टॉल करने के नाम पर भोली भाली जनता को ठगी करने का प्रयास करते हैं। सभी इसी जिले के हैं, सभी पथरड्डा ओपी और सहारन थाना क्षेत्र के।